चित्रकूट जनपद में जीरो रोडवेज की बस में यात्रा कर रहे तीन बदमाशों ने अपने साथियों को बुलाकर रोडवेज बस पर पथराव कर कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी है और कंडक्टर के टिकट के पैसे लेकर फरार हो गए हैं, जिसकी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पराग डेरी के पास का है, जहां जीरो रोडवेज की बस बांदा की तरफ से चित्रकूट बस स्टैंड जा रही थी। तभी पराग डेरी के पास बस में बैठे दो बदमाशों ने बस को रुकवाकर अपने साथियों को बुलाकर बस पर पथराव कर दिया और कंडक्टर के साथ मारपीट करने लगे, जिसके बाद कंडक्टर के बैग में रखे टिकट के पैसे लेकर मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ित बस ड्राइवर लोकू मिश्रा ने बताया है कि वह जीरो रोडवेज की बस लेकर कंडक्टर राघवेंद्र के साथ बांदा से प्रयागराज के लिए जा रहे थे। तभी बांदा से दो युवा यात्री बस में बैठ गए और चित्रकूट में अपने साथियों को बुलाकर अचानक बस को रुकवाकर बस पर पथराव कर दिया और उनके कंडक्टर को उतारकर उसके साथ मारपीट की और टिकट के पैसे लेकर मौके से फरार हो गए हैं। जो यात्री से काटे गए टिकट के रुपए करीब 14,000 बदमाश उनके पैसे लूटकर भाग गए हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करना शुरू कर दिया है और बस कंडक्टर के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। फिलहाल पूरी घटना वहां एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडे का कहना है कि जीरो रोडवेज की बस पर दो लड़कों से वाद विवाद हुआ था, जिस पर उन लड़कों ने स्थानीय कुछ लड़कों को बुलाकर बस पर तोड़फोड़ की है। जो बस कंडक्टर ने लूट का आरोप लगाया है, उसकी जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद बस में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया और जो यात्री बस पर बैठे थे वह बस छोड़कर मौके से चले गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि बस में पथराव करने वाले आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। हमको कुछ नहीं पता हुआ और यहाँ पर मुझसे यात्री जैसे गाड़ी रुकवाया गया, हमने रोका तो इतने में जैसे मेरी गाड़ी रुकी वैसे मेरी गाड़ी पर पहले ढेला मार के शीशा फोड़ने जो कि मेरे हाथ में लगा और इतना हम देखते रहे तो कंडक्टर को गिरा दिए थे। उसका कैश सब लेके यहाँ पे 12 लोग पहले से खड़े थे, कंडक्टर को लेके कैश लेके भाग गए। क्या कोई विवाद हुआ था क्या? कोई विवाद नहीं, गाड़ी के अंदर कोई बात ही नहीं और यात्री भी यहाँ अभी रुके हैं, कोई विवाद नहीं, कोई बातचीत कोई नाम का ही नहीं। पहचानते उन लोगों को कौन? वो वीडियो बना हुआ है। हाँ, अब सामने आ जाएंगे तो पहचान। कितने लोग हैं टोटल यहाँ पर? पहले तो 3 लोग बैठ गए बांदा पे, एक बेनीपुलिया कंडक्टर बता रहा है, बेनीपुलिया उतर गया और दो यहाँ पर रुकवाए मुझसे गाड़ी। कितना पैसा चला गया? लगभग लगभग 14,000 बता रहा है। दिनांक 2 जून को समय लगभग 5:15 बजे रोडवेज के कंडक्टर से दो लड़कों का वाद विवाद हो गया, जिस पर उन दो लड़कों ने स्थानीय कुछ लड़कों को बुलाकर बस पर पत्थर मार दिया तथा कंडक्टर के साथ हाथापाई की। लूट के मामले की जांच चल रही है।